पूरी दुनिया के साथ ही रीवा में भी क्रिसमस डे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। चर्चों में लाइटिंग देखी गई और साथ ही संता बनता नजर आए। लोगों ने इसका बड़ा ही रोचक ढंग से लुत्फ उठाया। पूरी दुनिया के साथ रीवा में भी मनाया गया क्रिसमस। मुख्य कार्यक्रम संपन्न हुआ रीवा के प्रोमेंस स्कूल में। परमपिता परमेश्वर ईसा मसीह को याद किया गया। पूरी दुनिया के साथ ही रीवा में हुए क्रिसमस के मौके पर चर्चों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आकर्षक झांकियां बनाते हुए लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिसमस की बधाई दी। खासतौर से बच्चे कुछ ज्यादा उत्साह में नजर आ रहे थे। वो झांकियों के आसपास सेल्फी लेते नजर आए। मुख्य कार्यक्रम चर्च में संपन्न हुआ, जहां फादर जॉन ट्रेडे ने प्रभु ईसा मसीह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। ईसा मसीह को क्या लेके जरूरत थी, लेकिन आपके और मेरे पाप के कारण वो इस दुनिया में है। ये प्रभाव उसके माँ के तरफ, उसके पिताजी के तरफ। जो पिछले हफ्ते में मैंने कहा, तीन यूसुफ जो थे, तीन यूसुफ बाइबल में लिखे हुए, पकड़ लो। आज तो हम जलेंगे, लाइट लगी जलेंगे ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नम्र हुए और इसलिए वो आज्ञा जो पुराने नियम में दिए हुए, धन्य है वो जो मन के नम्र है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो नम्र है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, जो नम्र नहीं है वो शैतान के औलाद कह जाएंगे। और इसलिए हमको शैतान की औलाद नहीं बनना है, शैतान के संतान नहीं बनाना है, लेकिन प्रभु यीशु की संतान बनना है, जो नम्रता में है, दयालुता में है, शांति में है। वो सहिष्णुता हमारे अंदर, असहिष्णुता नहीं, सहिष्णुता हमारे अंदर होनी चाहिए, नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। वो पाठ हमको पिता ने सिखाया, पुत्र ने भी सिखाया। जैसा मैंने कहा कि यीशु मसीह क्या जरूरत थी बलिदान देने की, लेकिन आपके और मेरे पापों के कारण, दुनिया में हमारे बाप दादाओं के पाप के कारण, सृष्टि की स्थापना हुई तब से उनके पापों के कारण उसको जन्म लेना पड़ा इस दुनिया में। नम्र होकर क्या जरूरत थी उसको इस दुनिया में आने की। और इसलिए पुराने नियम में स्वर्गीय पिता, नए नियम में आता है पुत्र यीशु मसीह, अवतार यीशु मसीह। यीशु मसीह की नम्रता देखिए, कुछ भी नहीं बोला। यशायाह नबी अपने पुस्तक में 700 वर्ष पहले लिखता है कि जैसा ऊन कतरने के लिए जो ऊन काटने वाले हैं